सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? ऑफिस का सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली मैं आज काफ़ी दिनों के बाद कोई ब्लॉग लाइव शूट करने वाली हूँ, मतलब करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने अपने पिछले वाले ब्लॉग में आप सबसे बताया था कि मतलब हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे, तो उस दिन मैंने क्या क्या लिया विंटर के लिए, मतलब विंटर कलेक्शन में मैंने क्या क्या लिया उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने कहा था। सो फाइनली मैं आज वो वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड एक्चुअली ये वीडियो मैं आपके साथ बहुत पहले ही शेयर करने वाली थी, बट थोड़ा सा नहीं हुआ क्योंकि कोल्ड वगैरह हो रखा था सबको, बाबू को भी मुझे भी, मतलब अभी विंटर भी स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ी सी ठंड भी ज़्यादा हो गई है, सो उसकी वजह से हम लोगों को कोल्ड वगैरह हो गया था। एंड अभी भी आपको मेरी वॉइस से थोड़ा सा लग रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा गला ठीक नहीं है एंड काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो मैंने सोचा आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे बता दूँ कि जितने भी कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो सारे मैंने ऑफलाइन लिया हुआ है, कुछ भी ऑनलाइन नहीं है। एंड ये वीडियो शेयर करने का रीज़न है कि आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया हो जाए कि आप किस तरीके के ले सकते हैं, मे बी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबू के क्लोथ से, मतलब बाबू के कपड़ों से, कि बाबू के लिए मैंने उस दिन क्या क्या लिया था। तो सबसे पहले जो बाबू के लिए मैंने लिया था ये वाला जैकेट आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा है, मतलब यानी आपको जिप वाला मिलता है और बहुत ही प्यारा है ये, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा सा है। सो ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियरली होगी सारे क्लोथ आपको। एंड सेकेंड हम लोग ने लिया था ये आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी प्यारा सा कलर है, मतलब मरून कलर में है, काफ़ी प्यारा सा है हुडी, आप देख सकते हैं ये। जितने भी क्लोथ है बाबू ने खुद अपनी चॉइस से लिया हुआ, बस ये वाला हम लोगों ने अपनी पसंद का लिया था, बट इनको पसंद आया था सो इसीलिए हम लोग ने ले लिया। अदरवाइज इनके साथ ऐसा है कि जब तक इनको पसंद नहीं तब तक आप नहीं पहना सकते कोई भी कपड़े इनको। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वन इज दिस वन ऑल्सो वेरी प्रिटी, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है, मतलब कलर में है, ये ऑलिव कलर आई थिंक इसको कहते हैं। ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है एंड ये दोनों का जो प्रिंट है वो डिफरेंट है एंड थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। सो ये भी बहुत ही प्यारा है। एंड नेक्स्ट है ये वाला पिंक कलर का, दिस वन पिंक कलर का, जो कि बाबू का फेवरेट है, मतलब ये वाला बाबू ने खुद चूज़ किया था, सो उनको ये बहुत ही पसंद आया था तो उन्होंने ये लिया था। सो ये कुछ इस तरीके का है पिंक कलर का, कैप कुछ इस तरीके का है, मतलब काफ़ी मोटा है, मतलब आपको अलग से कैप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये एंड इसके स्लीव्स पे कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वर्क करी गई है, कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है दोनों पे। सो दोनों ही साइड करी गई है, लेफ्ट और राइट दोनों स्लीव्स करी गई हैं, सो बहुत ही प्यारा लगता है। एंड इसके फ्रंट पे कुछ इस तरीके का वर्क है योर ड्रीम्स का, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है, आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग ने बाबू के लिए लिया था ये थर्मल, मतलब इनर, ये दो इनर कुछ इस तरीके के पैकेजिंग में है। ये है वूल टच का बॉडी वार्मर एंड इसके पहले मतलब पिछले साल जो हम लोग ने लिया था वो हम लोग ने अमूल का लिया था। सो चलिए इसे ओपन करते हैं। सो कुछ इस तरीके का है, देखते हैं। सो देखते हैं कि कौन कौन से कलर में है। सो ये कुछ इस तरीके का है, तो दोनों का ही कलर जो है वो सेम है। सो ये इसके पैजामा एंड ये, तो दोनों ही बॉक्सेस में सेम कलर है। सो ये है और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने लिए लिया हुआ है ये, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा है। सो इसका जो ये दिया हुआ मैंने अभी तक नहीं निकाला हुआ है, सो वो इसे अंदर डाल देते हैं। सो ये कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये नेवी ब्लू कलर मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था, सो मैंने ये वाला अपने लिए लिया है। इसका कैप वगैरह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के कपड़ों में है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, मीन्स काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा ये। सो कमेंट करके प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगा कलर। नेक्स्ट मैंने लिया है अपने लिए ये वाला, जो कि मुझे पहले नज़र में पसंद आ गया था। सो ये देखिए आप, है ना कितना प्यारा सा कलर, ब्राउन कलर का, काफ़ी प्यारा सा ये। तो ये कुछ इस तरीके का जिप है इसका, ब्राउन कलर का, ये काफ़ी प्यारा है। इनका कपड़ा जो है वो काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा लगा था, मतलब इसका कलर कुछ यूनिक कलर का है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, सो मैंने इसलिए वाला लिया था। एंड इसका पैटर्न भी काफ़ी अच्छा सा है,
एंड ये वाला आप किसी भी कुर्ती पे या सूट पे या टॉप वगैरह पे पहनेंगे तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा। सो यू कैन सी बैक कैमरे से कितना क्लियरली दिख रहा है और काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। एंड ये जो वीडियो है ये मैं बहुत पहले ही शेयर करना चाहती थी एंड मतलब आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा हो गया मेरे पास ये रखा हुआ है एंड आई थॉट कि आज मुझे ये वीडियो शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिनों का पेंडिंग में था। सो फाइनली आज मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। सो ये देख सकते हैं आपको ये कितना प्यारा है। सो बीच में ऐसा कुछ ना कुछ मतलब हो जाता था कि ये वीडियो रह जाता था और बाकी के जो मतलब है ब्लॉग वगैरह है सो वो आ जाते थे तो वो मैं अपलोड कर देती थी। सो फाइनली आज मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इनके जो प्राइस है वो मुझे कंफर्म नहीं पता है बिकॉज इसका जो पेमेंट वो हस्बैंड ने करी थी उसके लिए मुझे कंफर्म नहीं पता है बट 1500 अराउंड है सारे। सो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिलता है आपको ये सब। मीन्स अगर आप इस टाइप के लेते हैं तो जो मैंने मेरे लिए लिया है सो वो कैसा लगा आपको, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा वो बताइएगा आप कमेंट करके। एंड बाबू का तो सभी अच्छे हैं वो मुझे पता है बट आप बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा। मतलब हस्बैंड ने भी अपने लिए लिया था क्लोथ वगैरह बट वो उसका मैंने आपसे नहीं शेयर किया एंड एक्चुअली मैंने उसको अंदर रख दिया है सो इसलिए मैंने उसको निकाला भी नहीं। सो जो मैंने बाहर रखा हुआ था सो वही मैंने आपसे शेयर किया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।